आप देख रहे हैं नरवाना की आवाज। बुधवार को नरवाना में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला बीजेपी व जेजेपी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जेजेपी व बीजेपी सरकार गेहूं की खरीद नहीं करवा सकती तो सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि मंडियों में किसान व व्यापारी हड़ताल पर है, लेकिन बीजेपी व जेजेपी के विधायक व सांसद दुबक्कर बिल में बैठ गए हैं। उन्होंने हरियाणा सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पुराने पैटर्नर पर गेहूं की खरीद शुरू की जाए। पूरे हरियाणा की अनाज मंडियों के अंदर किसान, आढ़ती और मजदूर दर दर की ठोकरें खाने और खून के आंसू रोने को मजबूर हैं, परंतु दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी को आढ़ती, किसान और मजदूर की ये पीड़ा नज़र नहीं आती। नरवाना की अनाज मंडी जो हरियाणा में सबसे प्रमुख अनाज मंडियों में से है, वो सारी की सारी अनाज मंडी जहाँ एक पांव रखने की जगह नहीं होती थी, आढ़ती, किसान और मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे, परंतु चंडीगढ़ के वातानुकूलित कमरों के अंदर बैठकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और सब सही चल रहा है। दुष्यंत चौटाला जी, मनोहर लाल खट्टर जी, काश आप नरवाना, उचाणा, जींद, उकलाणा, बरवाड़ा, टोहाणा, कैथल, कलायत की अनाज मंडियों में आकर यहाँ गरीब किसान, साधारण आढ़ती और गरीब मजदूर की मुश्किलात का मंजर देख पाते। क्या कारण है कि कणक की, गेहूं की खरीद पुराने तंत्र के आधार पर नहीं हो सकती? क्या कारण है कि कणक की खरीद का पैसा आढ़ती के खाते में और उसके माध्यम से किसान के खाते में पुराने तंत्र के आधार पर नहीं जा सकता? क्या गेहूं की खरीद में आधे के करीब हरियाणा की मंडियां जो हड़ताल में हैं, ये दर्शाता नहीं कि खट्टर और चौटाला सरकार पूरी तरह से गेहूं खरीद में फेल साबित हुई है? है कि जब किसान कणक लेकर मंडी में आता है तो उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन वहां नहीं हो सकता। 20 अप्रैल तक तो लॉकडाउन था, ना किसान के पास कंप्यूटर है, ना उसके पास इंटरनेट है, वो किस प्रकार से अपना वेब पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाता? पिछले सीजन की जीरी की आड़त आज तक भी, लेबर की पेमेंट आज तक भी कुरुक्षेत्र और शाहबाद से लेकर नरवाड़ा और उचाणा तक आज तक हो नहीं पाई है। इनकी पेमेंट कैसे होगी, इसकी गारंटी क्या? और 26 मार्च को चिट्ठी लिखकर खट्टर साहब और चौटाला जी ने ये वादा किया था कि 125 रुपया क्विंटल बोनस किसान को देंगे। आज बोनस की बात तो दूर, आढ़ती और किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल बेचने को लाचार और बेजार साबित हुआ है। तो हरियाणा के किसान और आढ़ती की समस्या नजर नहीं आती क्या? आपको हरियाणा के मजदूर की समस्या नजर नहीं आती? अगर दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर जी, अगर आपसे गेहूं की खरीद हरियाणा में नहीं हो रही तो हमारी ये मांग है कि वो गद्दी छोड़ दीजिए जिस पर आप बैठे, क्योंकि हरियाणा के किसान और आढ़ती के पेट में लात मारकर, हरियाणा के मजदूर की पेट पे लात मारकर एक दिन भी भाजपा और जजपा सरकार को गद्दी पर रहने का अधिकार नहीं। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कहाँ है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद, जजपा के विधायक और सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण? आज वो बिलों में दुबके क्यों बैठे? आपने जींद जिले की सारी सीटें ली और जींद जिले के साथ सबसे बुरा दुर्व्यवहार अगर कहीं हो रहा है तो वो नरवाना, उचाणा और जींद की मंडियों से आज साबित है। हमारी ये मांग है कि या तो दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब खरीद दोबारा शुरू करवाएं पुराने तंत्र के आधार पर, और 30 दिन के चक्र में यानी अप्रैल के आखिर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मई तक एक एक दाना किसान का खरीदे, आढ़ती को उसका मेहनताना दे, मजदूर को मेहनताना दे, वरना अपनी गद्दी छोड़ दे।